हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम कवर करेंगे 1 जून to 7 जून करंट अफेयर। उससे पहले आपको पता है बहुत सारी जो है जॉब्स अभी निकल रही हैं हरियाणा में, जो है सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की और पटवारी की और कनाल पटवारी की पोस्टें निकल आई, और पंजाब में भी बहुत ही जल्दी पटवारी की और सब इंस्पेक्टर वगैरह की और बहुत सारी पोस्टें निकलने वाली हैं। हिमाचल में ऑलरेडी बहुत सारी निकल ही रही हैं, IBPS PO आ रहा है, क्लैरिकल आ रहा है। तो आप जो है जुट जाओ तैयारी में, इस साल टारगेट रखो कि इस साल जो है आपकी जॉब 100% जो है वो लग जाए। तो सबसे पहले हम लास्ट वीडियो के जो है वो दो लकी विनर्स देख लेते हैं, जिनको ये हमने वॉच एंड विन कंटेस्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सही आंसर दिए थे। तो एक फीमेल जो है वो संदीप कौर जो है वो लकी विनर है फीमेल में। और संदीप प्लीज़ आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 9872474753 पे हमें कॉन्टैक्ट करिए और बताइए कि आप लकी विनर हैं। और सेकंड विनर है मिस्टर दिनेश कौंडल। दिनेश, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज जो है सबसे पहले हम जो है लास्ट वीडियो की रिवीजन कर लेते हैं। विच कंट्री लॉन्च गोल्डन कार्ड फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, दैट इज UAE। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, जिसने कहा था मेरा हक है, मीनल हक। हु वन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जो है बुक लेके आनी है, कभी हारना नहीं है, झोका अलहारथी। हु हैज़ बीन स्वॉन इन एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन, दैट इज बोलो रेन कहाँ पे होती है, स्काई में होती है। हु वन द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हेल्थ केयर अवार्ड, और बाबा रामदेव की जगह आचार्य बालकृष्ण गए थे। हु इज स्वॉन एन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, जो प्रेम से मांगेगा उसको हम चीफ मिनिस्टर भी बना देंगे, दैट इज प्रेम सिंह तमंग। तो ये हो गया हमारे लास्ट वीडियो की रिविजन। आई होप कि जो है आपको याद होगा सारा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो पहली न्यूज़ है आज की, दैट इज इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोवा लीड्स मिसिंग मैन फॉर्मेशन इंटरव्यू टू हीरोज ऑफ द कारगिल। अब जो है इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल जो हैं BS धनोवा, इन्होंने मिसिंग मैन फॉर्मेशन जो है MiG-21 में बनाया। ये देखो मिसिंग मैन में क्या होता है कि तीन जहाज एक जगह उड़ रहे हैं, एक जो है अलग उड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये जो भटक गया है मिसिंग मैन है ये। तो इन ऑनर ऑफ द कारगिल वॉर हीरो, कारगिल वॉर में जो अजय हुजा हैं जो शहीद हुए थे एंड अदर जो हीरोज़ थे, तो उस टाइम जो कारगिल वॉर के जो टाइम जो ऑपरेशन एयरफोर्स का था, दैट इज़ फेज सागर। तो ये कई बार ये भी आ सकता है, और कौन से जहाज में उड़े मिसिंग मैन फॉर्मेशन में MiG-21 में। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वैसे तो MiG-21 जो है जो यंग लोग उड़ाते हैं, BS धनोवा जो हैं काफ़ी एज्ड हैं, फिर भी जो हैं ये एक मिसिंग मैन, MiG-21 तो उड़ाया ही, मिसिंग मैन फॉर्मेशन में उड़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि धन्य हो महाराज, आप जो है इस एज में भी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो धन्य से क्या बन गया, धनोहा। तो ऐसा पर्सन जिसने मिसिंग मैन फॉर्मेशन में MiG-21 उड़ाया वो धन्य है, ये इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। और ये इतने धन्य हैं कि इनको BS धनोहा जी को जो है इनको बैटन मिल गया एयर चेयरमैन ऑफ COSC। COSC क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इनको जो है पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे जो नेवल चीफ थे एडमिरल सुनील लांबा, और अब जो है वो जो है हमने बना दिया BS धनोहा जी को COSC का चेयरमैन। तो ये दोनों न्यूज रिलेटेड थी इसलिए मैंने कवर कर दी साथ साथ में। नेक्स्ट है हमारा, स्पाइसजेट बिकम द 4th इंडियन एयरलाइन टू हैव 100 एयरक्राफ्ट फ्लीट। मीन्स स्पाइसजेट जो है चौथी एयरलाइन बन गई है जिसके पास जो है 100 एयरक्राफ्ट आ गए। कौन कौन सी, एयर इंडिया के पास ऑलरेडी थे, इंडिगो के पास हैं, और अभी आपको जेट एयरवेज आजकल इनऑपरेटिव चल रही है उनके पास भी है। तो ये 4th एयरलाइन बन गई। देखो ये आपको ही पता होगा, आप भी जहाज में जाते होंगे, इंडिगो और स्पाइसजेट जो दोनों जो हैं वो लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसलिए जो है अभी ये सक्सेसफुल हैं इंडिया में। और एयर इंडिया तो आपको पता ही सरकारी है, तो ये जो है एक देखो एक सरकार की स्कीम है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। मीन्स जो छोटे छोटे शहरों में जो है वो फ्लाइट जाती है, जैसे बठिंडा में जा रही है पंजाब में या हरियाणा में किसी छोटे शहर में जा रही है, तो ये इंडिगो और ये स्पाइसजेट दोनों छोटे छोटे शहरों में उड़ान के अंदर जो है काफ़ी फ्लाइट जो है ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी फुल जाती है, इसलिए ये प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो इनका जो है इट बिकम द 3rd एयरलाइन, थर्ड नहीं मतलब 4th बन गई आफ्टर, अब थर्ड ही होगी क्योंकि जेट एयरवेज तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। थर्ड है, नेक्स्ट है हमारा 72nd एनुअल केन्स फिल्म फेस्टिवल जो है हेल्ड इन केन्स फ्रांस। आपको पता हो ये केन्स फिल्म फेस्टिवल बहुत फेमस है, एक इंडिया के और वर्ल्ड के बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ जाते हैं, ऐश्वर्या राय, ये सोनम कपूर, जो रेड कारपेट पे वेलकम होता है इनका। तो ये केन्स फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें जो साउथ कोरियन फिल्म है पैरासाइट जो है इसको पाल्मो डी ओर, पाल्मो डी ओर क्या जो हाइएस्ट अवार्ड वहाँ पर मिलता है
ये जो है जो डायरेक्टर हैं इसके बोंग जून हो, इन्होंने जो है ये दिया। और एक इंडियन फिल्म मेकर है अच्युतानंद द्विवेदी, इनको इनकी जो एक मूवी है सीड मदर, इट गॉट द थर्ड प्राइज इन द इंटरनेशनल सेक्शन ऑफ न्यूज प्रेसो टैलेंट 2019, मतलब जो न्यू टैलेंट आया होगा उसमें इनको इनकी जो मूवी है सीड मदर को थर्ड प्राइज मिला है। तो हम इसका शॉर्टकट कैसे लर्न कर सकते हैं कि देखो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट इज ए पेस्ट। तो हम कहते हैं कि जो केन का फर्नीचर होता है उसको पेस्ट नहीं लगता, जो केन का फर्नीचर होता है उसको पेस्ट नहीं लगता। तो जो केन का फर्नीचर है उसको पेस्ट नहीं लगता, पैरासाइट नहीं लगता, क्योंकि उसका जो सीड है वो बहुत अच्छा होता है, उसका जो सीड है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप इसका शॉर्टकट जो है या ट्रिक जो है वो ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मलावी प्रेजिडेंट पीटर मुथारिका री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म। ये मलावी एक कंट्री है, उसका जो है पीटर मुथारिका जो है वो सेकेंड टाइम जो है इसका प्रेसिडेंट बन गया। तो हम इसका कैसे शॉर्टकट बना सकते हैं, आप शॉर्टकट अब आप अपने आप ही बना सकते हो, काफ़ी आप 2 महीने हो गए हमें वीडियो बनाते हुए। मलावी से क्या बन जाएगा, मलाई बन जाएगा, पीटर एक पर्सन है, मुठ्ठा में मुट्ठी होगी, मुट्ठी में रख के जो पीटर है जब प्रेसिडेंट बन गया तो मुट्ठी में रख के मलाई खाई उसने। देखो ये शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट क्या है, जो आपकी आपको जो एक देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, जिसकी रिदम बन रही है वो शॉर्टकट अपने आप बन जाता है। शॉर्टकट बेसिकली क्या है, रिलेटेड रिलेट करना है आपको, ताकि वो चीज़ जो है, जब बहुत सारी चीज़ें हजारों चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको याद कैसे आएगा, तो आपने कोई कोरिलेट किया होगा तो आपको ईजिली याद आ जाएगा। तो पीटर ने मुट्ठी में रख के मलाई खाई, पीटर ने मुट्ठी में रख के मलाई खाई। नेक्स्ट है हमारा फेसबुक क्रिप्टो करेंसी, आपको क्रिप्टो करेंसी आपने बिटकॉइन इंडिया में बहुत फेमस रहा, ग्लोबल कॉइन लॉन्च करेंगे 2020 में। सिंपल न्यूज़ है कि फेसबुक जो एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉरा 2020 में, उसका नाम क्या रखा है, उन्होंने ग्लोबल कॉइन रखा है, जिससे कोई भी चीज़ें जो है बैंक अकाउंट की जगह जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही जो है वो आप खरीद सकते हो ऑनलाइन। नेक्स्ट है हमारा DRDO टेस्ट फायर्ड आकाश 1 एज सरफेस टू एयर मिसाइल, डिफेंस सिस्टम है ये। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि आकाश क्या है, जैसे ये सारे बहुत सारे हैं DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रहा है, नाग है, अग्नि है, त्रिशूल है, पृथ्वी है, तो ऐसे ही आकाश क्या है, आकाश जो है वो सरफेस टू एयर है। आकाश वैसे भी आकाश जो है एयर को ही बोलते हैं, तो आकाश क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये सिंपल आ सकता है, या DRDO की फुल फॉर्म आ सकती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी चाइना वन द 2019 सुधीरमन कप बाय डिफीटिंग जापान। अब चाइना के जो प्लेयर है ना, इन्होंने कौन सा जीता बैडमिंटन में, सुधीरमन कप, सुधीरमन कप चाइना ने जीता, किसको हराया, जापान को हराया। अब रमन जो है वो सोदी, रमन जो है, रमन एक पर्सन का नाम है, मान लो मेरा नाम भी रमन है, तो मेरा नाम रमन है, रमन मैं सो दिया क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था, तो मेरे को नींद आ जाती है जल्दी क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूं, तो रमन सो दी क्योंकि वो चाय नहीं पीती है, तो इसलिए ये इसका आप याद कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब हेल्थ की बात हो रही है, पूरे दुनिया की हेल्थ रखनी है, अच्छी रखनी है, तो मम्मी भी कहती है कि हेल्थ अच्छी रखनी बेटा, रोज बादाम खाया कर, तो हेल्थ असेंबली बादाम खाया कर, बादाम मतलब मेवा खाया कर। तो अगर आपने हेल्थ अच्छी रखनी है तो कहाँ पर कैसे क्या करना है, जिनेवा, मेवा खाना है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर हुई, जिनेवा में हुई। थीम क्या थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, पूरी दुनिया की हेल्थ कवर करनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 न्यू गुडविल एम्बेसडर बनाए हैं फॉर प्रमोटिंग हेल्थ, वो कौन कौन है, एक है एलन जॉनसन सिर्फ लीफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लिवेरिया, एक हैं सिंथिया जर्मनाटोवा प्रेसिडेंट ऑफ बॉर्न दिस वे फाउंडेशन, एक है एलिसन बेकर, ही इज गोलकीपर ऑफ द ब्राजील एंड लिवरपूल फुटबॉल टीम, एक है नटालिया लोई वेकर, शी इज द मेडिकल डॉक्टर एंड हेल्थ एडवोकेट फ्रॉम ब्राजील। इन चारों को जो है वो गुडविल एम्बेसडर बनाया फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल हेल्थ। हम इसका वैसे इनके चारों के नाम ऐसे कैसे याद कर सकते हैं कि अली का सन जर्मनी गया और वहाँ पर ठंड बहुत होती थी, तो वो लोई ओढ़ के सोता था और सिर्फ पत्तियाँ खाता था, सिर्फ लीफ खाता था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो अली का सन है वो जर्मनी गया और वो लोई ओढ़ के सोता था और सिर्फ लीफ खाता था। ये चार लोग जो हैं वो गुडविल एम्बेसडर बने हैं वर्ल्ड हेल्थ
के प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिया रैंक 43rd इन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, सिंगापुर टॉप द चार्ट। अब ये जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है, 43rd आई है। सेकेंड न्यूज़ इसमें क्या बनती है कि किस कंट्री ने जो है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में टॉप किया है, सिंगापुर ने किया है। यूएसए जो है फर्स्ट टाइम जो है यूएई, नॉट यूएसए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो टॉप 5 में आए हैं। और सबसे नीचे कौन है, वेंजुएला इज द ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रैंक्ड लास्ट। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं हम कि किस कंट्री ने टॉप किया और कौन सी लास्ट आई। तो एक सिंगिंग का कंपटीशन हुआ जिसने पूरा सिंग किया, सिंगापुर मतलब जिसने पूरा सिंग किया, अच्छी तरह सिंग किया, वो तो आया फर्स्ट। और जिसने जिसको दर्शकों ने नहीं झेला, जिसको दर्शकों ने नहीं झेला वो आया लास्ट। तो जिसने पूरा सिंग किया वो आया फर्स्ट, जिसको किसी ने नहीं झेला वो आया लास्ट। और इंडिया की रैंक क्या आई, 43rd। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूस्ड बैंक ऑन व्हील फॉर डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी। अब ये बैंक ऑन व्हील्स क्या है, एक जो इन्होंने स्टार्ट किया है जो आंध्र प्रदेश में डोर टू डोर जाके बैंकिंग फैसिलिटी देनी है स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये जो बेसिकली तो जो ये बैंकिंग ऑन व्हील है ना डोर टू डोर, ये फॉरेन की कंसेप्ट है, बाहर की कंसेप्ट है। बाहर को क्या कहते हैं, फॉरेन कहते हैं या ओवरसीज कहते हैं। तो किस बैंक ने जो है डोर टू डोर बैंकिंग स्टार्ट की है जिसका नाम है बैंक ऑन व्हील, किसी बाहर वाले बैंक ने, बाहर मतलब है तो इंडिया का लेकिन बाहर वाला बैंक, मतलब हम इसको शॉर्टकट के लिए याद कर रहे हैं, ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक के पेपर आएंगे अभी, एसबीआई पीओ मेंस आएगा, एसबीआई क्लरिकल मेंस आएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूएस गवर्नमेंट रिमूव्ड इंडिया एंड स्विट्जरलैंड फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। अभी रिसेंटली जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में जो है वो वहां से हटा देगा। अभी इनकी अब ध्यान ही रखेगी क्या हो रहा है, करेंसी मॉनिटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मोदी सरकार जो है काले धन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है कि अब अमेरिका को भी लगने लग गया कि, वैसे हम कहते थे ना कि इंडिया का सारा जो है काला धन जो है स्विट्जरलैंड के बैंकों में है, तो इंडिया और स्विट्जरलैंड को अब हमें करेंसी मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो ये इसका शॉर्टकट बन गया कि कौन कौन सी कंट्री, इंडिया और स्विट्जरलैंड। क्यों नहीं करना, क्योंकि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया फर्स्ट ऑल वेमेन क्रू फ्लाइज MI-17 मीडियम हेलीकॉप्टर की, एक हेलीकॉप्टर उड़ाया जिसमें सारी जो है तीनों लेडीज ने ही उड़ाया। कौन कौन सी, पारुल भारद्वाज ये कैप्टन थी, फ्लाइंग ऑफिसर अमन निधि और हीना जायसवाल, इन तीनों ने। तो अब इसका हम याद कैसे कर सकते हैं कि निधि ने प्यार से हीना लगाई, निधि ने प्यार से हीना लगाई। हीना क्या होती है, मेहंदी। निधि ने पारुल से बन गया प्यार, निधि ने प्यार से हीना लगाई। ये तीन लेडीज हैं जिन्होंने जो है ये एक हेलीकॉप्टर जो है ऑल वुमेन फ्लाइट जो है वो ऑपरेट किया है। नेक्स्ट है हमारा, बीजेपी लीडर पेमा खांडू स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसको बनाया सेकेंड टर्म में, जो बड़े प्रेम से बात करता था, लोग तो चाहते थे ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाए जो बड़े प्रेम से बात करता था और जिसकी जवान मीठी थी, मीठी मतलब खांड की तरह मीठी थी, मतलब प्रेम से बात करता था और खांड की तरह जिसकी जवान मीठी थी, उसको अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया। नेक्स्ट है, नवीन पटनायक स्वॉन इन एज ओडिशा चीफ मिनिस्टर फॉर 5th term। देखो अच्छा काम कर रहा है, पांचवीं बार जो है लोगों ने चुन लिया, किसको चुना, उड़ीसा का सीएम जो है किसी पटना वाले बंदे को चुन लिया, पटनायक से क्या बन गया पटना, तो उड़ीसा का सीएम किसको चुन लिया, किसी पटना वाले को। और इसकी जो है अपना पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, आपको पता ही है। नेक्स्ट है हमारी, स्कॉट मॉरिसन स्वॉन इन एज ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर। ये जो स्कॉट मॉरिसन है इसको ये जो है 30th प्राइम मिनिस्टर बन गया। कौन सी पार्टी है इसकी, लिबरल पार्टी है, 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इसका हम शॉर्टकट कैसे लर्न कर सकते हैं, कोट, स्कोट से क्या बन गया कोट, मोरी मतलब छेद, कोट में मोरी थी फिर भी ले लिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब ले लिया, कोट में मोरी थी छेद था फिर भी ले लिया। तो स्कॉट मोरी मतलब कोट में मोरी और ऑस्ट्रेलिया से क्या बन गया, ले लिया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी,
मोहम्मदु बुहारी स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया फॉर द सेकेंड टर्म. जो है मोहम्मदु बुहारी जो है इनका जो है ही इज इलेक्टेड एज जो है इससे पहले जो है आर्मी जनरल रहे हैं. आर्मी जनरल थे तब जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब जो है मिलिट्री गवर्नमेंट इन्होंने चलाई थी 1980 में. अब जो है वो इलेक्टेड होके जो है सेकेंड टाइम जो है वो मोहम्मदु बुहारी जो है वो सेकेंड टाइम जो है नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं. तो नेक्स्ट न्यूज़ है मई 28 को वर्ल्ड हंगर डे है. इस बार की जो थीम थी दैट इज सस्टेनेबिलिटीज़. तो 28 देखो हिंदी में 28 मिठाई, 28 से मिठाई याद आ जाएगी और मिठाई से जो है आपको हंगर याद आ जाएगा. आप ऐसे लर्न कर सकते हो. और मई इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो है वो मई 29 को है. इस बार की जो थीम थी प्रोटेक्टिंग सिविलियंस प्रोटेक्टिंग पीस. और मई 29 को ही एक और डे भी होता है दैट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे. तो इसमें क्या था ये क्यों मनाया जाता है 66 इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे जो है इट इज़ ऑल्सो ऑन 29th. नेपलीज जो है तेंजिंग नॉर्गे और जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे फर्स्ट टाइम 1953 में. तो ये भी स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहले दो जो हैं वो कौन लोग जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे. और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है वो मई 29th होता है. नेक्स्ट है हमारा इंडियन एयरफोर्स एंड इसरो साइन एग्रीमेंट फॉर गगनयान. अब ये एक प्रोजेक्ट है गगनयान फॉर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन द सिलेक्शन ऑफ द क्रू एंड ट्रेनिंग फॉर गगनयान प्रोग्राम जिसमें जो है 3 मेंबर क्रू जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा जिसको 7 डेज जो है वो स्पेस में रहना है. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ. नेक्स्ट है हमारा एनी जैदी वन 9 डॉट प्राइज 2019. 9 डॉट प्राइज क्या है इंडियन राइटर है एनी जैदी. शी इज नाउ द 2019 विनर ऑफ द $1 million 9 डॉट प्राइज ए प्रेस्टिजियस बुक प्राइज फॉर इनोवेटिव थिंकिंग. और जो है इनकी जो बुक है दैट इज ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस इसके लिए जो है इनको मिला है. इसका हम शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं कि डॉट मैंने उसको बोला था डॉट नाइन पे मिलना है डॉट नाइन पे मिलेंगे तो इतनी जल्दी क्यों आ गई एनी जैदी मतलब इतनी जल्दी क्यों आ गई मैंने तो तुम्हें डॉट नाइन पे मिलने को कहा था. नेक्स्ट है हमारी न्यूज़. देखो पता क्या है कि बहुत सारी न्यूज़ हैं अराउंड 60 न्यूज़ हैं इस वीक के करंट अफेयर में तो हमें कई चीज़ें फास्ट फास्ट करनी पड़ती हैं वीडियो फास्ट बनाना पड़ता है. आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो. देवी अहिल्याबाई होलकर एयरक्राफ्ट ऑफ इंदौर गेट्स इंटरनेशनल स्टेटस. अभी रिसेंटली जो है एक देवी अहिल्याबाई होलकर एयरक्राफ्ट है एयरपोर्ट है जिस इंदौर में मध्य प्रदेश में जिसको जो है इंटरनेशनल जो है वो एयरपोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया है. ऐसे बहुत सारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं या आपका चंडीगढ़ वाला है या आपका मुंबई में है बहुत सारे. तो रिसेंटली जो है ये देवी अहिल्याबाई ये पूछ सकते हैं कि कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिला है तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जेम्स मारप्पे अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गुयाना. अब इसका हम शॉर्टकट कैसे ये लर्न कर सकते हैं जेम्स से क्या बन गया जम्मे मरे अप्पे. अप्पे मतलब अपने आप जम्मे मरे अप्पे भी यहां पर जन्म भी अपने आप लेना पड़ता है मरना भी अपने आप पड़ता है. क्यों क्योंकि ये पाप की दुनिया है. पपुआ गुयाना मतलब पाप की दुनिया है तो कोई हेल्प नहीं करेगा जन्म भी अपने आप लेना पड़ेगा और मरना भी अपने आप पड़ेगा. तो ये इसका जो है क्योंकि नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं इन लोगों के तो आप इसका शॉर्टकट ऐसे लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी येदुगुरी संदिति जिसको हम YS जगनमोहन रेड्डी YS जी रेड्डी जिसको कहते हैं स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. YSR कांग्रेस के हैं ये प्रेसिडेंट. तो इनका जो है अभी रिसेंटली जो है आपको देखो अगर रिसेंटली इलेक्शन के बहुत सारे प्राइम चीफ मिनिस्टर बने हैं तो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं कहाँ के आंध्र प्रदेश के अंधों के प्रदेश के. तो मोहन ने कहा हमने पूछा कि भाई अंधों के प्रदेश के आप जो हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए रेडी हैं तो मोहन ने कहा मैं रेडी हूँ अंधों के प्रदेश का CM बनने के लिए. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन अज्यूम्ड कमांड एज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड. ईस्टर्न नेवल कमांड के जो हैं चीफ बना दिए क्यों क्योंकि जो एडमिरल करमबीर सिंह हैं उन्होंने चार्ज ले लिया नए नेवी चीफ का. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नए नेवी चीफ कौन बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह और जो इनको क्या बनाया ईस्टर्न नेवल कमांड का हेड बना दिया. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हिंदी वर्जन ऑफ द ऑस्कर अकेडमी पब्लिकेशन डिजिटल डिलीमा. ये किताब का नाम है ऑस्कर. ऑस्कर आपको पता ही है ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं
तो हिंदी ट्रांसलेशन अकेडमी पब्लिकेशन डिजिटल डिलेमा हैज बीन लॉन्च्ड बाय द अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ऑस्कर अकेडमी इसको कहते हैं। इनके जो प्रेजिडेंट हैं जॉन बेली इंडिया में आए थे और न्यू दिल्ली में इन्होंने जो है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो लॉन्च करी है। इसका हम शॉर्टकट कैसे लर्न कर सकते हैं, बेली बेली मतलब बेला था, डिलेमा में था, डिजिटल डिलेमा, डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन में था कि क्या करूं, तो बेला था डिलेमा में था, तो इसलिए ऑस्कर जो है पब्लिकेशन इसका जो है इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया कि डिलेमा में हूँ, वेला हूँ, क्या करूँ, तो जो ऑस्कर जो एकेडमी पब्लिकेशन की जो बुक है इसको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, लामर ओडम लॉन्च अ न्यू बुक डार्कनेस टू लाइट। ये पर्सन है फॉर्मर अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं लामर ओडम, इन्होंने जो है एक नई बुक है डार्कनेस टू लाइट, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपने लर्न करना है, एग्जाम में आने के चांसेज हैं इसके। नेक्स्ट है 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन त्रिपुरा, तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइंस एंड एनवायरनमेंट थ्रू फिल्म्स, तो 10th जो है नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, नॉर्मल फिल्म फेस्टिवल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये कौन सा है साइंस फिल्म फेस्टिवल है, कहाँ पे होना है, त्रिपुरा में होना है। नेक्स्ट न्यूज है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ सॉन्ग हवा आने दे, हवा आने दे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल पता है एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड जो है क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आता है, तो अभी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया उसका नाम क्या है, हवा आने दे सॉन्ग लॉन्च किया है। देखो आप ये हवा आने दे में अक्षय कुमार को इन्होंने इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, RBI परमिटेड बैंक्स टू यूज़ आधार ओनली फॉर DBT अकाउंट्स फॉर KYC रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बैंक को परमिट किया है टू एक्सेप्ट आधार नंबर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए फॉर नो योर कस्टमर KYC वेरिफिकेशन विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर। अब DBT क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंदर जो है सब्सिडी आती है ना आपको पता है गैस वगैरह की, तो सर इस पर्पज के लिए ओनली DBT अकाउंट्स के लिए जो है आधार को जो है बैंक RBI ने जो है बैंक्स को अलाउ कर दिया, अदरवाइज आधार जो है दैट इज नॉट कंपलसरी नाउ। नेक्स्ट है फिक्की सर्वे फोरकास्ट GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया 7.1% फाइनेंशियल ईयर 20 में और 7.20% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, चंद्रानी मुर्मू ऑफ BJD बिकम द यंगेस्ट MP इन द कंट्री। अब ये ट्राइबल वुमेन है उड़ीसा की, चंद्रानी मुर्मू, चंदा रानी आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इसका नाम, जो यंगेस्ट जो MP बन गई, 25 साल की है सिर्फ, अब यंगेस्ट MP बीजू जनता दल की, इन्होंने किसको हराया, BJP MP अनंत नायक को हराया और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी वो दैट इज़ क्योंझार, ये इंपॉर्टेंट है, किसको हराया ये इंपॉर्टेंट है और कौन सी पार्टी की थी ये इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रानी मतलब चंदा रानी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एडमिरल करमबीर सिंह अज्यूम चार्जेस एज न्यू चीफ ऑफ द नेवल। अभी रिसेंटली हमने इस न्यूज़ को कवर करा, तो 24th चीफ बन गए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इन्होंने अच्छे कर्म किए थे तभी देखो इतनी हाई पोस्ट पे पहुंच गए, अच्छे कर्म वाला पर्सन ही ऐसी जगह पे पहुंच सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, MOU साइंड बिटवीन IIT गुवाहाटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गुवाहाटी एंड ISRO टू सेटअप स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी सेल सेटअप किया है ISRO के साथ मिलकर IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब होता है, May 31 को, कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस बार का जो फोकस ऑफ द वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2019 इज टू तंबाकू एंड लंग हेल्थ। तो आज के जो वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जो है जो वॉच वीडियो एंड विन प्राइज में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दो डायरी आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, एक मेल को एक फीमेल को, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्ड हाइक इन रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप अंडर नेशनल डिफेंस फंड। तो कैबिनेट ने जो है रेट ऑफ स्कॉलरशिप 2000 से 2500 कर दिया फॉर बॉयज और 2250 से 3000 कर दिया फॉर गर्ल्स। द स्कोप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द वार्ड्स ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, इनके लिए भी बढ़ा दिया, पहले किसके लिए था ये, वार्ड्स ऑफ द डिसीज एंड एक्स सर्विस मैन पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए था, अब जो है इनको इसके अंडर भी अपना जो एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो है नई 2000 से 2500 रुपये हो गया और 2250 से 3000 हो गया अंडर जो है वो स्कॉलरशिप अंडर नेशनल डिफेंस फंड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी,
कैबिनेट अप्रूव्ड ₹3000 पेंशन फॉर स्मॉल ट्रेडर। ये बहुत अच्छी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही एक नया जो है इनिशिएटिव लिया है, अप्रूव द गिव मंथली पेंशन ऑफ 3000 टू स्मॉल ट्रेडर्स बिजनेसमैन एंड शॉपकीपर्स आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स। इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी टू ऑल शॉपकीपर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अ मंथली पेंशन अंडर प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। ये इसके अंडर जो है ये स्टार्ट किया है। दोज पर्सन हु हैज अटेन 29 ईयर ऑफ एज विल हैव टू मेक अ मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100। कुछ भी नहीं होता, 100 रुपया देना अपने 60 साल के बाद जब हो जाएंगे तो आपको 3000 रुपया पर मंथ मिलेगा। एंड दोज हु हैव अटेन द एज ऑफ 40 ईयर दे हैव टू मेक ए मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 200। तो जो 29 साल के हुए, 29 से 40 साल तक के हैं उनको 100 रुपया पर मंथ देना है, और जो 40 साल से ज़्यादा हैं उनको, स्मॉल ट्रेडर को, उनको पर मंथ जो है 200 देना है। और क्या होगा, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको जो है 3000 रुपया एक मंथली पेंशन लग जाएगी। नेक्स्ट है न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि टू फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री। पहले क्या था, अर्लियर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम वॉज एप्लीकेबल टू फार्मर्स हैविंग 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी उनके लिए थी, अब जो है सबको कर दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर स्टेटेड दैट नियरली 14.5 करोड़ फार्मर विल बी कवर्ड अंडर द रिवाइज स्कीम। टोटल वर्डन जो एक्सचेकर पे जो पड़ेगा 87,000 करोड़ का पड़ेगा, एंड ₹6,000 पर ईयर इज बींग गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट टू द फार्मर्स अंडर द स्कीम। तो ये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो है इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, कस्तूरी रंगन कमेटी सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी ड्राफ्ट है फाइनली हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कस्तूरी रंगन कमेटी, फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन लेड कमेटी सबमिट द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू HRD मिनिस्टर। आपने एक वीडियो मैंने बनाया था, HRD मिनिस्टर मानव, ह्यूमन, मानव का क्या रखा है, ख्याल, पोखरियाल, याद है ना। द पॉलिसी रिकमेंड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द करिकुलम, कंस्टिट्यूट ए नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कर्विंग आर्बिट्रेटरी फी हाइक बाय द प्राइवेट स्कूल्स। ये तीन जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं, और अभी एट प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो 1986 में बनी थी और रिवाइज हुई थी 1992 में। तो पढ़ाई के रंग में रंग गए, जिसको कहते हैं ना, मम्मी केवर कहती है शर्मा जी के बेटे को देखो पापा कहते हैं, वो तो पढ़ाई के रंग में रंग गया है। कस्तूरी रंगन, रंगन मतलब रंग गया, इसलिए जो है इसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया हैज़ 20 हेल्थ वर्कर्स पर 1000 पीपल एन एसएसओ स्टडी। इन्होंने कहा है कि जो है इंडिया जो है इट हैज़ 20.6 हेल्थ वर्कर्स पर 10,000 पीपल विच इज़ लेस देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 22.8 होनी चाहिए। रूरल एरिया 71% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैव ओनली 36% ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, कम है मतलब पर 10,000 पीपल जो है, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी 22.8 है। दिल्ली हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ हेल्थ वर्कर्स फॉलोड बाई केरला, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो बहुत सारी न्यूज़ है आज के वीडियो में। प्यूरिटो विलियम्स नेम्ड एज द वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट सिटी, प्यूरिटो विलियम्स। अब ये कहाँ पर है, चिल्ली में, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, पीयू पता ना आपको, जो स्टूडेंट यहाँ के नॉर्थ के, पंजाब यूनिवर्सिटी में चिल मारते थे किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। साउथ से क्या बन गया, साथ बन गया। पीयू में चिल मारते थे साथ में दोस्तों के। नेक्स्ट है हमारा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट टू फ्लाई हॉक जेट्स, पहली बन गई लेडी। अब इसको क्या, आप बचपन में ना जैसे पेरेंट्स पूछते थे नन्ना मुन्ना बच्चा क्या बनेगा, पायलट बनेगा, तो नन्ना मुन्ना मोहना से क्या बन गया, नन्ना मुन्ना बच्चा क्या बनेगा, पायलट बनेगा। बचपन में हर कोई पायलट बनना चाहता है। एंटोन आदित्य री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया। अब ये जो है इसको बैडमिंटन एशिया का जो प्रेजिडेंट जो है इलेक्ट किया गया है, और मालदीव्स के जो है मूसा नशीद जो है इनको जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो एंट आ गई आदित्य के घर में, एंट आ गई तो उसने किस चीज़ से मारी, आदित्य के घर में जब एंट आ गई उसने
बैडमिंटन से हमारी ये इसका ट्रिक बन गया। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को होता है और थीम क्या है, ऑनर योर पेरेंट्स। वर्ल्ड फादर डे भी है आपको पता है आज, तो फादर डे है, अपने पेरेंट्स की तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वही एक ऐसे माँ बाप, ये कैसे लोग होते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट है IMD इशूड रेड कलर वार्निंग फॉर दिल्ली ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। दिल्ली में रिसेंटली जो टेम्परेचर है 46.8 डिग्री पहुंच गया, हाईएस्ट सिंस मई 2013, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 49.6 पहुंच गया श्रीगंगानगर में राजस्थान में। तो इसलिए जो है दिल्ली को जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड कलर वार्निंग दी है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एट 6.1% इन 2017-18, NSSO का जो डाटा आया 6. हाईएस्ट इन 45 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट इन 45 ईयर कितना रहा, 6.1, 61, हिंदी में 61 कहते हैं ना। तो अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड क्यों है, वो कहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि कट पढ़ा लिखा, कट 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 हिंदी में देखो कट पढ़ा लिखा, कट मतलब 61 को हम हिंदी में मतलब इंग्लिश 6.1 को इंग्लिश में 61 भी कहते हैं ना, तो 61 मतलब कट पढ़ा लिखा, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है डिक्लाइंड बाई 9 पोजीशन फ्रॉम 42 इन 2002 टू 33, ये इंप्रूवमेंट हुई है इंडिया की। मध्य प्रदेश एंड आसाम हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 47 है, वाइल केरला एंड तमिलनाडु रिकॉर्डेड द लोएस्ट, केरला की सबसे कम है, मध्य प्रदेश की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। इंडिया की रैंक कितनी है, 33 है, और जो इंडिया की जो रैंक है बहुत सारी कंट्री नेबरिंग कंट्री श्रीलंका बांग्लादेश इनसे भी नीचे है, और ओडिशा ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी लोस्ट इट्स स्पॉट एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टू चाइना। अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है इंडिया थी, तो अभी जो है जनवरी मार्च का जो क्वार्टर रहा है इंडिया की जो ग्रोथ है 6.3% हुई है, 6 क्वार्टर में सबसे कम है। तो अब जो है इंडिया जो है चाइना से पीछे रह गया, अब चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया द्वारा से। नेक्स्ट है राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट कन्फर्ड विद द हूज अवार्ड फॉर द तंबाकू कंट्रोल, तंबाकू को कंट्रोल किया, तो तंबाकू को कंट्रोल किसने किया, राजा ने किया, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा जो है वो तंबाकू पिए, इसलिए किस स्टेट ने कंट्रोल किया, तंबाकू को कंट्रोल किसने किया, राजा से हम क्या याद कर लेंगे, राजस्थान याद कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को होता है, थीम क्या थी इस बार, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बैंक फ्रॉड रीच अनप्रेसिडेंट 71,500 करोड़। आपको पता है ये नीरव मोदी, ये बहुत सारे लोग भाग गए बैंक फ्रॉड करके, 71,500 करोड़ जो है 18-19 में फ्रॉड हुआ, 6,800 केसेज आए बैंक फ्रॉड के। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ONGC ओवरटेक्स IOC टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनियन जो है, प्राइवेट में तो रिलायंस है, तो ONGC जो है इसको जो है ओवरटेक कर गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, टू रिगेन द क्राउन ऑफ बीइंग द कंट्रीज मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है हमारी एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल अवार्डेड मैक्सिकोज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रतिभा पाटिल जो है, इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है सिविलियन अवार्ड जो है मैक्सिको का, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल। अब देखो प्रतिभा, इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि इनको मैक्सिमम अवार्ड, मैक्सिमम या हाईएस्ट, आप कह एक ही चीज़ होता है ना मैक्सिमम या हाईएस्ट, इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि इनको मैक्सिको का हाईएस्ट अवार्ड मिल गया, मींस मैक्सिमम और हाईएस्ट अवार्ड मिल गया प्रतिभा पाटिल को। नेक्स्ट है हमारा RBI अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ राकेश मखीजा एज चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपको पता है इनका चेयरमैन बनाया था RBI ने, अप्रूवल कर दिए किसका, राकेश मखीजा। एक लड़की थी हमारी स्टूडेंट थी, 2 साल बाद द्वारा से आई पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने पूछा यार तुम्हारा तो एक वो फ्रेंड था राकेश जिससे तुमने शादी करनी थी, तो तुमने उससे शादी नहीं करती, तो तुम क्या हुआ, तो अभी तो तुम तो अभी भी कुंवारी हो। तो कहती सर वो जो मेरा जो बॉयफ्रेंड था सो कॉल, जिसको मैं जिससे मैं शादी करनी थी, वो मक्खियाँ ही मारता रहता था, कुछ करता नहीं था राकेश, तो मेरे घर वालों ने जो है वो मना कर दिया, वो मेरा जो एक्स था वो मक्खियाँ मारता रहता था राकेश, वो कुछ करता नहीं था, इसलिए उसको मेरे घर वालों ने मना कर दिया। तो एक्स बॉयफ्रेंड से एक्स क्या करता था उसका, मक्खियां मारता था। तो ये हम शॉर्टकट इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है गेट्स कैबिनेट रैंक। आपने जो है वो उरी मूवी देखी होगी, उसमें अजीत डोवल का जो है बहुत रोल दिखाया था,
तो अपना उरी मूवी और जो है एक और जो दूसरी मूवी आई थी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, तो जो है इनको द्वारा से एक्सटेंशन मिल गई एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है क्विज का कि वर्ल्ड की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। आपको ये पता है कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वेटिकन सिटी है, तो आपने ये बताना है कि वर्ल्ड की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आज जो है वो रिविजन क्वेश्चन नहीं डाल रहे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, बहुत सारे एग्जाम्स के जो हैं SBI PO क्लरिकल वगैरह के और LIC के मेंस आ रहे हैं, तो GK बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।